Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all will be fine, my dear students. Now let me start the another topic about the manganese. That what is manganese and what is its history, its oxidation state, its physical features. So let me start it. Manganese 25 plus atomic number is 25, and it was discovered in 1774 by Swedish chemist Johan Gottlieb Gahr. ये जो तो आपके पास 1774 में एक स्वीडिश केमिस्ट ने जो थे ये डिस्कवर किया था, जिनका नाम था आपके पास योहान, ये लिखे जाते हैं जोहान, लेकिन आपके पास ये प्रोनाउंस होगा योहान, योहान गॉटलीब गाह, इन्होंने जो थे ये डिस्कवर किया था। इसमें फिर इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, सिंपल इसके एक जो तो आपको मैंगनीज का जो सैंपल है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एम है वो कैपिटल रहेगा और एन जो तो आपके पास इसमें स्मॉल रहेगा, और इसके जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो आपके पास 25 है। अगर हम इसमें इसके फिजिकल फीचर्स देखें तो ये जो तो आपके पास सिल्वरी वाइट कलर में आपके पास जो तो ये पाए जाते हैं सिल्वरी वाइट कलर, और ये आपके पास ब्रिटल भी होता है, इसकी शाइनिंग जो तो आपके पास होती है। इसके अलावा जो तो आपके पास ये मेटालिक एलिमेंट जो हम यूज़ करते हैं तो इसको हम एज एलॉय जो तो ये यूज़ करते हैं, और एलॉय आप जानते हैं जिसमें आपके पास मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स एट अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपके पास जो स्पेसिफिक इसकी एक प्रोपोर्शन होती है जिसमें आपके पास ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपके पास जब ये कंबाइन होते हैं तो उससे आपके पास एलॉयज जो होती है बनते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें हम अगर ये देख लें तो मैंगनीज जो ये इजीली कोरोड हो सकते हैं आपके पास मॉइस्ट एयर में, मैंगनीज आपके पास मॉइस्ट एयर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, तो मतलब ये आपके पास इसमें कोरोजन भी आपके पास होती है, मतलब ये कोरोजन फ्री नहीं है, बल्कि अगर हम इसे मॉइस्ट एयर में अगर हम इसे एक्सपोज कर लेते हैं तो इसमें जो एयर होती है आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये इसमें जो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, तो जब ये डिसॉल्व होंगे तो इसमें आपके पास कोरोजन होगी, और कोरोजन आप लोग जानते हैं द कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। नेक्स्ट फिर इसमें अगर हम देख लें तो दे कैन इजीली डिसॉल्व इन एसिड, ये जो आपके पास एसिड्स में इजीली जो आपके पास ये डिसॉल्व हो सकते हैं। फिर इसमें अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख लें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है 1245 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 1245 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें अगर हम इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास 2271 डिग्री फारेनहाइट, ये इसका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, मींस 2271 डिग्री फारेनहाइट, और जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो आपके पास 2061 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, या 2061, और जो आपके पास इसका फारेनहाइट में कन्वर्जन कर दिया जाए तो 3742 डिग्री फारेनहाइट या 3742 डिग्री फारेनहाइट, ये एक आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर इसमें जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास इसकी 7.4 है, तो मतलब ये आपके पास ये तो डेंसर एक आपके पास ट्रांजिशन मेटल है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देख लें तो इसमें आपके पास इसमें जो एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट इसका 54.938 है, 54.938 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55, जो आपके पास 55 के इक्वल होगा अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लें। फिर इसमें जो मैंगनीज है आपके पास तो ये कभी भी आपके पास फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, बल्कि ये हमेशा के लिए आपके पास जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, लेकिन सिर्फ मेटियोर्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है, तो ये गैलेक्सी में जो आपके पास होते हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे आपके पास फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, बाकी अगर हम अपने अर्थ क्रस्ट पे देखें तो ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बल्कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और वो भी आपके पास ओर्स की फॉर्मेशन में आपके पास ये होते हैं, और इसके जो ओर्स हैं आपके पास तो इनमें से चंद ओर्स ये हैं जैसे आपके पास पैरोनोसाइट है, रोडोक्रोसाइट, इसके अलावा मैंगनाइट एक्सेट्रा, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इनके ओर्स हैं जिसमें आपके पास मैंगनीज के सबसे ज़्यादा डिजायर्स इसमें पाए जाते हैं, जिसमें आपके पास जो सबसे मोस्ट कॉमन आपके पास यूज होता है जिसे आप कहते हैं पैरोनोसाइट, इसके अलावा जो आपके पास है रोडोक्रोसाइट, नेक्स्ट है आपके पास इसमें मैंगनाइट, तो ये आपके पास कुछ और हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये तीन इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आपके पास पैरोनोसाइट ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो मैंगनीज वर्ड है आपके पास, मैंगनीज वर्ड आपके पास एक लैटिन वर्ड से दिया गया है, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है आपके पास मैंगनीज, मैंगनीज मैंगनीज जो है तो इसे कहा जाता है, जो आपके पास मैंगनीज है तो ये लैटिन वर्ड मैंगनीज से जो है लिया गया है जिसका मतलब है आपके पास मैग्नेट, और ये मैग्नेट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें आपके पास जो पैरोलोसाइट जो आपके पास इसमें एक और है तो इट इज़ मैग्नेटिक इन नेचर, ये आपके पास मैग्नेटिक होता है तो इस वजह से हम
ऐसे जो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इसमें पाई जाती है। इसकी जो लोकेशन अगर हम देखें तो ये मोस्टली आपके पास यूक्रेन में, इसके अलावा जो जॉर्जिया में, साउथ अफ्रीका में जो तो आपके पास सबसे ज्यादा इनके डिजाइन ये पाए जाते हैं। इनके ओर जो तो सबसे ज्यादा आपको वहां पे मिल सकते हैं। फिर इसमें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह आपको पता है कि मैंगनीज आपके पास ये एक ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल की यही स्पेशलिटी है कि इसमें आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास ये पाया जाता है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपके पास इसमें ये +2, +3, +6 और +7 ये चार किस्म के इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास पाए जाते हैं, जो आप लोग अपने अप्लाइड केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में सिर्फ यही चारों होते हैं। अगर हम इस पे देख लें, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास मैंगनीज का आ जाता है तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज जो है तो हम इसे कहते हैं। अगर आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो इसके लिए फिर हम वर्ड लिखते हैं, नेम लिखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज ये वर्ड जो था हम लिखते हैं। अगर आपके पास +6 हो तो इसके लिए हम फिर मैंगनेट्स ये लिखते हैं, मैंगनेट्स ये लिखते हैं। फिर अगर आपके पास +7 हो तो इसके लिए हम पर मैंगनेट ये लिखते हैं, +7 के लिए पर मैंगनेट। तो मतलब +2 के लिए मैंगनीज, +3 के लिए मैंगनीज मैंगनीज, +3, +6 के लिए आप जो तो क्या लिखते हैं मैंगनेट, और +7 के लिए आप लिखते हैं पर मैंगनेट। फिर इसमें कुछ इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लें तो आपको और भी समझ आ जाएगी। जैसे आपके पास इसमें है Mn+2, तो Mn को ये जो आपके पास इसका एक एग्जांपल है जिसे हम क्या कहते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। क्योंकि Mn+2 जब आपके पास हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं मैंगनीज। तो इसका कम्प्लीट नेम आपके पास क्या आ जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें तो एक ऑक्सीजन का आपके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और मैंगनीज का आपके पास यहाँ पे फिर सेटिस्फेक्शन के लिए इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो इसका नाम फिर क्या जाएगा आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड। सेम इसी तरह अगर हम ये सेकंड एग्जांपल देखें जिसमें आपके पास कार्बोनेट्स हैं, और कार्बोनेट्स पे आपके पास तो कलेक्टिवली -2 चार्ज होते इस पे होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है और तीन पे आपके पास -6 हो जाएगा, फिर एक कार्बन पे आपके पास +4, तो +4 -6 = -2। तो कलेक्टिवली कार्बोनेट्स पे आपके पास जो कौन सा साइन होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है -2। तो फिर यहाँ पे मैंगनीज का क्या होना चाहिए +2। तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा मैंगनीज कार्बोनेट, मैंगनीज कार्बोनेट। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें MnSO4, तो SO4 सल्फेट का आपको पता है कि ये -2 है, मैंगनीज का आपके पास ये +2 होगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 है, तो इस वजह से। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें MnCl2 है, तो एक क्लोरीन पे आपके पास -1, दो पे आपके पास -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंगनीज का आपके पास +2 होगा, तो इनका नाम क्या आ जाएगा आपके पास मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड। फिर यहाँ पे अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो मैंगनीज का, तो इसमें एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है, जैसे आपके पास Mn2SO4 होल 3, Mn2SO4 होल 3। तो यहाँ पे SO4 का हमने ऊपर देख लिया था कि आपके पास इसमें सल्फेट में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। तो यहाँ पे जब आपके पास थ्री टाइम्स आपके पास सल्फेट है, तो ये 2 × 3 = -6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा सल्फेट का। फिर यहाँ पे एक मैंगनीज का आपके पास जब +3 होगा तो 2 का आपके पास इसमें +6 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मैंगनीज का, एक मैंगनीज का आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम देते हैं तो आपके पास असर होगा मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, क्योंकि इनका मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +3 है। तो उसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इनका जो नाम हम रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा मैंगनीज सल्फेट। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाते हैं, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +6 होगा, तो इसके लिए फिर हम एग्जाम्पल क्या स्टडी करते हैं, जैसे आपके पास MnO3, MnO3 में अगर हम ऑक्सीजन को देख लें तो एक ऑक्सीजन पे आपके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है, तो 3 का आपके पास क्या आ जाएगा -6। फिर यहाँ पे एक मैंगनीज है आपके पास, तो इसका आपके पास +6 होगा, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या लिखते हैं मैंगनेट, मैंगनेट जो ये लिखते हैं। तो इनका नाम आपके पास आ जाएगा मैंगनेट ऑक्साइड, मैंगनेट ऑक्साइड। तो मैंगनेट जब आप कहते हैं तो इसे
हमें पता चल जाता है कि अब बात जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जिसकी वजह से हम ऐसे मैंगनीज या मैंगनीज की जगह जो हम यहाँ पे मैंगनेट अगर कह रहे हैं, तो ये इसी बेस पे कि आपके पास जो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, तो इसका नाम क्या जाएगा आपके पास मैंगनेट ऑक्साइड। फिर अगर आपके पास मैंगनीज का प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं पर मैंगनेट। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या लिखे MnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, ये जो तो आपके पास इसका नाम आ जाएगा। तो इसमें जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा तो उसके लिए हम मैंगनीज जो तो ये लिखते हैं, अगर आपके पास प्लस थ्री हो तो मैंगनेट लिखते हैं, अगर प्लस फोर हो आपके पास तो उसके लिए हम मैंगनेट लिखते हैं, अगर प्लस सेवन हो तो उसके लिए हम पर मैंगनेट जो है तो ये लिखते हैं। इसमें जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मैंगनीज है आपके पास, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है आपके पास, क्योंकि इसमें आपके पास डी ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड होते हैं, और इसी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने की वजह से ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट 7K MnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि K MnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ये यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आप कह सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पोटेशियम पर मैंगनेट को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। और इसमें के MnO4 को अगर आप लोग देखें तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास, तो वो आपके पास प्लस सेवन होता है, तो जब प्लस सेवन है तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास क्या होगी रिडक्शन होगी, इससे सेवन इलेक्ट्रॉन्स जो तो आपने लूज किए हुए हैं, तो ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स जो तो ये दोबारा गेन करने की सलाहियत रख सकता है। तो अगर ये गेन कर लें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेगा, उसे ऑक्सीडाइज कर लेगा और खुद गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, तो इस वजह से हम इसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसमें अल्किन्स ले लेते हैं, तो अल्किन्स को हम जब पोटेशियम पर मैगनेट में हम इसे डिजोल्व करेंगे तो इसके लिए जो सोल्यूशन आप लोग बनाएंगे तो आपके पास कोल्ड वाटर पंप होना चाहिए, तो जब कोल्ड सोल्यूशन आपके पास होगा कोल्ड वाटर का, तो तभी आपके पास जो तो इसमें ये डिजॉल्व हो सकेंगे इजीली, अगर हॉट वाटर होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी आपके पास इसमें डिक्रीज होगी। फिर इसमें अगर हम देख लें तो ये अल्किन्स के साथ जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इसके साथ रिएक्शन कौन कौन से कंडीशंस में ये इजीली कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास तीन तरह की कंडीशंस हैं, एक आपके पास इसमें एसिडिक कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन, और थर्ड वन है आपके पास इसमें बेसिक कंडीशन, कि इन तीनों में आपके पास जो ये किस तरह के आइंस जो तो हमें देते हैं या इनके कलर से जो तो हम किस तरह से आइडिया दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके पास यहाँ पे अल्किन्स है आपके पास, और इन अल्किन्स को जब हम यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीट कर लेते हैं, वाटर के साथ इसके जो तो ये सॉल्यूशन बना लेते हैं K MnO4 का, और इसमें हम एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, क्योंकि H+ आयन हमें क्या इंडिकेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू अल्किन्स, जो आपके पास H+ आयन देते हों तो उनको हम क्या कहते हैं एसिड्स कहते हैं, तो यह आपके पास जो कि ये एसिडिक कंडीशन है, तो इस एसिडिक कंडीशन में अगर हम देख लें तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -2 होता है, तो चार का आपके पास क्या होगा -8, फिर यहाँ पे एक मैंगनीज का आपके पास जो तो +7 है, तो +7 और -8 इज इक्वल टू -1, तो इस वजह से यहाँ पे MnO4 पे ऊपर जो हमने माइनस साइन जो ये प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपके पास है यहाँ पे +7 है। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं जब ये अल्किन्स यहाँ पे K MnO4 के सॉल्यूशन में जब हम इसे वाटर में डाल देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाती है डिसोसिएट हो जाती है, और आफ्टर डिसोसिएशन K+ आयन जो तो बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल HCl एसिड हम डाल दें तो KCl आपके पास पोटेशियम क्लोराइड जो तो वो बना लेंगे, और H+ आयन जो तो हमें HCl से मिल जाएगा, और यहाँ पे K MnO4 के से पोटेशियम जो तो हमें मिल जाएगा, और साथ में MnO4- जो ये आपके पास मिल जाएगा, मतलब जो पर मैग्नेट आयन है आपके पास तो वो आपके पास बन जाएंगे। यहाँ पे जो इनका कलर होता है तो ये कलर आपके पास जो ये डार्क पर्पल कलर में आपके पास जो ये एग्जिस्ट करते हैं, जब आपके पास ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन हो तो आपके पास डार्क पर्पल कलर में होते हैं, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल कलर में होते हैं,
लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो भी आपके पास डार्क पर्पल कलर में जो आपके पास चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अल्कीस को, जब हम कोल्ड वाटर में डाल देते हैं और उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ये डाल देते हैं और साथ में एसिड भी मिला देते हैं, तो यहाँ पे एक तो आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोल जो है ये बन जाएगा। और ग्लाइकोल किसे कहते हैं, जब आपके पास दो कंजर्वेटिव कार्बन हो और उसमें जो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच होते हैं तो उनको हम ग्लाइकोल जो है ये कहते हैं। और साथ में फिर आपके पास यहाँ पे मैंगनीज आयन Mn+2 आयन जो है आपके पास बन जाएगा। और Mn+2 आयन जब बनेगा तो वो आपके पास कलरलेस होते हैं, लेकिन आपके बुक में कलरलेस लिखा हुआ है, लेकिन इनका जो कलर है तो आपके पास फेंट पिंक कलर होता है, फेंट पिंक कलर जो आपके पास एक्सट्रीमली लो कलर होते हैं, जो बिल्कुल हमें इस तरह नजर आते हैं जैसे आपके पास ये कलरलेस है। तो इसके कलर से भी हमें आइडिया हो सकता है कि आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसमें आपके पास रिडक्शन हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था और अभी आफ्टर ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो था आपके पास आफ्टर रिडक्शन यहाँ पे आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, तो इस वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +7 से +2 में जो था आपके पास ये चेंज हो चुका है। और उसमें आपके पास कलर से भी इंडिकेशन आपको मिल जाती है। अगर आपके पास फेंट कलर या इनका जो तो कलरलेस आपके पास बन जाते हैं तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुका है और जो आपके पास मैंगनीज था तो ये आपके पास रिड्यूस हो चुका है। इसी वजह से हम इसे एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो ये कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पास जो अल्कलाइन कंडीशन है, जब आपके पास इसमें बेसिक कंडीशंस होते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा। यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, एक अल्कीन का एक न्यूबर ये ले लेते हैं और साथ में पर मैग्नेट आयन जो है इसमें डिजोल्व कर लेते हैं हाइड्रोक्सल आयन के साथ। और हाइड्रोक्सल आयन जो हमें कब मिलता है, जब आपके पास इसमें बेस सॉल्यूशन हो। जिस तरह अर्गेनियस ने हमें कहा था कि जब आपको OH ग्रुप आपको मिलता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में तो आपके पास क्या होंगे, बेस होंगे। तो इसी वजह से हम इसे अल्कलाइन कंडीशन कह रहे हैं। पहले हमने इसमें एसिडिक कंडीशन चेक कर लिए थे, अभी हम इसमें हाइड्रोक्सल आयन के साथ जो बेसिक कंडीशन है तो ये अभी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कीन्स हैं तो ये इनकी ऑक्सीडेशन के बाद रिड्यूसिंग के बाद आपके पास जो ये क्या बन जाते हैं, इसमें ग्लाइकोल जो है तो आपके पास ये बनेगा, वही सेम आपके पास इसमें प्रोडक्ट होगा CH2 बॉन्ड OH और OH। जब दो कार्बन के साथ कंसेक्यूटिव आपके पास जो तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल ये कह सकते हैं। और साथ में फिर आपके पास ये MnO4 ये जो तो आपके पास इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर लें तो ये ऑक्सीजन का आपके पास जो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। फिर 4 का आपके पास क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पे फिर अभी मैंगनीज के लिए आपके पास क्या हो, तो अगर ये आपके पास +6 हो जाते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपके पास हो जाए तो ये +6 और -8 इज इक्वल टू -2। तो इसलिए इसके आयनिक स्टेट में हमने क्या लिखा हुआ है, -2 ये प्लेस किया हुआ है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किस से कहाँ पे चेंज होगी, +7 से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो सेम वही कंडीशन है जो हमने पहले रिएक्शन में देख लिया था कि मैंगनीज पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है, +7। लेकिन आफ्टर रिडक्शन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास किस में चेंज हो जाती है, +6 में। तो मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद ही आपके पास ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे इनका जो कलर है आपके पास, तो ये डार्क पर्पल कलर से आपके पास जो ये चेंज हो जाते हैं डार्क ग्रीन कलर में। और इसके जो आपके पास ये सोल्यूशन बनेगा डार्क पर्पल से आपके पास डार्क ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। तो इससे भी हमें इंडिकेशंस मिलती है कि आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब हम इसे यूज कर रहे थे तो इसमें आपके पास रिडक्शन जो ये हो चुकी है, मतलब इससे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लिया है और वो जो आपके पास ये रिड्यूस हो चुका है। तो इस वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपके पास वो +7 से +6 में चेंज हो चुकी है। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाता है आपके पास न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रल कंडीशन भी ये है आपके पास, जब हम इसमें अल्कीन्स जो ये ले लेते हैं और साथ में पर मैग्नेट आयन जो ये इसमें डाल देते हैं और एक न्यूट्रल सोल्यूशन जो आपके पास इसमें वाटर है, वाटर आपको पता है कि आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, तो ये जब हम यूज करते हैं यहाँ पे तो एक तो सेम हुई आपके पास ग्लाइकोल जो है इसमें बनेगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास MnO2 जो है ये आपके पास बन जाएगा। और MnO2 ये जो है हम इसमें अगर चेक कर लें तो एक ऑक्सीजन का आपके पास -2 है, तो दो का आपके पास क्या हो जाएगा -4,
फिर यहाँ पे जो MN है अब्बास, तो इसमें अब्बास की प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो था अब्बास की चेंज हो जाते हैं, तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन में अब्बास जो ये चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे MnO2 जो ये बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्सल आयन या अब्बास बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो अब्बास ये रिडक्शन हो चुकी है, स्टार्ट में हमारे पास ये कौन सा कलर था, डार्क पर्पल। जब आपके पास प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इनका जो कलर होगा तो आपके पास डार्क पर्पल होगा, लेकिन जब आपके पास ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का आपके पास चेंज हो चुका है तो इसका आपके पास जो डार्क ब्राउन कलर जो था आपके पास इसमें ये आ जाता है, और डार्क ब्राउन कलर इसके जो था आपके पास प्रेसिपिटेशन ये इसकी बन जाती है। तो ये प्रेसिपिटेशन बनकर हमें जो ये आइडिया इसमें हो जाता है कि इसमें आपके पास जब ये रिडक्शन इसकी हो जाती है तो यहाँ पे प्लस सेवन से आपके पास जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास चेंज हो चुका है, और जब प्लस सेवन से प्लस फोर में चेंज हुआ है तो इसका मतलब है आपके पास कि इसने तीन इलेक्ट्रॉन्स जो ये गेन कर दिए हैं। तो जब तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो वो दूसरे जो आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं तो इनमें से ये दो तीन इलेक्ट्रॉन्स जो इसने निकाल दिए हैं, तो वही तीन इलेक्ट्रॉन्स जो ये गेन करके आपके पास जो इसमें रिडक्शन हो जाती है और दूसरे को जो ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो इसी वजह से हम इसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं तो उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे टॉपिक का अगर एक समरी देख लें तो इसमें आपके पास यही होता है कि स्टार्ट में हमारे पास क्या था, प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो प्लस सेवन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास चेंज होता है, प्लस टू में, जब आपके पास ये एसिडिक कंडीशन हो। एसिडिक कंडीशन में प्लस सेवन से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास चेंज होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें आपके पास ये प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो ये किस में चेंज हो चुका है, प्लस टू में, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दिया था, एच प्लस आयन थे हमारे पास। फिर नेक्स्ट आपके पास जब प्लस सेवन से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाए तो यहाँ आपके पास कौन सा कंडीशन होगा, न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रल जो लास्ट रिएक्शन था हमारे पास, तो इसमें ये प्लस सेवन से आपके पास जब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ था तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल सोल्यूशन था, वाटर जो था हमने इसमें लिया हुआ था। तो इसी न्यूट्रल सोल्यूशन में आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन से प्लस फोर में चेंज हो गई थी। लास्ट जो है आपके पास इसमें प्लस सेवन से जब प्लस सिक्स में चेंज हो गए तो यहाँ आपके पास कौन सा कंडीशन होगा, अल्कलाइन कंडीशन या बेसिक कंडीशन या आपके पास होगा। जिस तरह यहाँ पे देखें आप ये प्लस सेवन से जो था आपके पास प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो चुका है, और इसमें हम कौन सा कंडीशन दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोक्सल आयन, मीन्स हम इसमें अल्कलाइन सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन जो है इसमें ले रहे हैं। तो इससे जो था आप लोग इस तरह से भी याद कर लें कि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2 जो था आपके पास एसिडिक कंडीशन है, 4 जो था आपके पास न्यूट्रल कंडीशन है, और 6 जो था आपके पास इसमें बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन है। तो इस तरीके से हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास लास्ट टॉपिक इसमें आ जाते हैं KMnO4-7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टाइट्रेशन। जो पोटेशियम परमैंगनेट है तो इसको हम टाइट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। टाइट्रेशन जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जब हम इसमें एसिड और बेस की टाइट्रेशन कराते हैं, स्टार्ट में आप लोगों ने 9-10 इस ग्रेड्स में जो तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जब हम इसमें जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के दौरान हमारे पास ब्यूरेट होता है और नीचे आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क होता है। तो ब्यूरेट में आप लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला सोल्यूशन डाल देते हैं और नीचे आप लोग टाइट्रेशन फ्लास्क में तो HCl या कोई भी एसिड हो तो वो वाला सोल्यूशन इसका बनाकर जो है आप लोग इसमें फिनाफ्थलीन एज ए इंडिकेटर इसमें ले लेते हैं। तो जब आपके पास रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इसका एक लाइट पिंक कलर जो है तो आपके पास अपेयर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग अपने रिएक्शन जो है तो स्टॉप करके बाकी रीडिंग्स जो है तो आप लोग ले लेते हैं। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट है तो ये एज अ इटसेल्फ जो है तो आपके पास ये क्या है, आपके पास जो ये इंडिकेटर है, तो इसमें हमें किसी और एडिशनल इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इनका कलर जो था आप लोग जब भी इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो इनका सोल्यूशन पहले से ही आपके पास जो ये डार्क पर्पल कलर में होता है। तो जब डार्क पर्पल कलर होगा तो इसमें जो चेंजेस आएंगी तो उसमें जो तो हमें खुद ब खुद ये पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम इसे एज ए टाइट्रेशन जो तो आप लोग यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में जब हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं तो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास MnO4 है, परमैंगनेट जो है आपके पास MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें माइनस साइन जो तो आपके पास आता है, और जब हम इसमें डाइकार्बोक्सिलेट आयन जो तो हम इसमें डाल देते हैं C2O4, इसमें आपके पास ये C डबल बॉन्ड O,
फिर आपके पास थ्री नंबर बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन इस पे एक माइनस चार्ज और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन इस पे दूसरा माइनस चार्ज, तो इसे यहाँ पे हमारे पास सी टू ओ फोर पे माइनस टू साइन इस पे आता है, क्योंकि आपके पास डाई कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। डाई कार्बोक्सिलेट आयन में अगर हम यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ले तो आपके पास ये क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास ऑक्सीजन है तो ये आपको पता है कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी आपके पास माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड्स में, तो यहाँ पे आपके पास जो ये माइनस टू होगा, फिर चार के लिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस एट, फिर यहाँ पे जो कार्बन है आपके पास तो एक कार्बन का आपके पास यहाँ पे प्लस थ्री होगा, एक कार्बन का प्लस थ्री होगा, तो यहाँ पे दो कार्बन का आपके पास जो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस सिक्स आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस सिक्स और माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे आप लोग दो हाइड्रोजन अगर इसमें डाल दें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डायोइक एसिड जब आप लोग इसमें देखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे फिर आपके पास ये बॉन्ड ओ एच, तो ये दो हाइड्रोजन जो प्लस वन और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है तो ये अगर इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो कहने का यही मकसद है कि यहाँ पे जो कार्बन है आपके पास तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, यहाँ पे जब आपके पास ये रिडक्शन हो जाती है तो इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास प्लस सेवन में चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपके पास क्या था प्लस फोर प्लस सेवन और यहाँ पे आपके पास प्लस टू में चेंज हो चुका है, मतलब प्लस सेवन से आपके पास चेंज हो चुका है प्लस टू में, तो प्लस सेवन से जब प्लस टू में होगा तो ये कौन सी कंडीशन होगी एसिडिक कंडीशन, तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या डाले हुए डाई कार्बोक्सिलेट आयन जब हमने इसमें डाले हुए हैं या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम इसमें यूज करते हैं तो मीन्स वो भी आपके पास एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन में आपके पास जो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपके पास प्लस सेवन से प्लस टू में चेंज होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस सेवन से प्लस टू में आपके पास चेंज हो चुका है और साथ में जो आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये जो आपके पास बन जाते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आपके पास माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड में और दो का आपके पास यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन का क्या होगा आपके पास प्लस फोर, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे आपके पास प्लस सेवन से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे आपके पास ये प्लस थ्री से प्लस फोर में चेंज हो चुका है, मतलब इससे पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये लॉस किए थे, अभी जो थे इससे एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया है जिसकी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपके पास प्लस फोर में आ चुका है, तो मतलब जब आपके पास ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आपके पास जो ये ऑक्सीडेशन हुई है तो इन एक ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब ये दोनों एक ही साथ हो रहे हो तो उनको हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसे कहते हैं और रिडॉक्स रेड ऑक्स, रेड जो आपके पास ये रिडक्शन रिडक्शन है आपके पास और ऑक्स आपके पास जो इसमें ऑक्सीडेशन है, तो इसी वजह से हम इस पूरे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन ये कहते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्टिवली आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों आपके पास हो रही है, तो यहाँ पे जब हम टाइट्रेशन में चेक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैंगनीज जो है आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है जो खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो तो इसने इलेक्ट्रॉन जो तो क्या कर लिए हैं गेन कर लिए हैं और दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो तो इसने निकाल लिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन मैंगनीज जो तो यहाँ पे गेन करती है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो तो निकाल कर उसे जो तो ऑक्सीडाइज करा लेते हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहाँ पे आपके पास जो इसका कलर होगा तो स्टार्ट में आपके पास जो ये टाइट्रेशन के दौरान जब हम इसमें के MnO4 वाले सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास डार्क पर्पल कलर का होगा, लेकिन जब आपके पास इसमें मैंगनीज आयन जो है तो इसमें बनेंगे Mn+2 तो उनका जो कलर होगा तो आपके पास फेंट पिंक कलर होगा या आपके पास ये कलरलेस होंगे, तो इसी फेंट पिंक कलर की वजह से हम इसकी शनाख्त कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये रिएक्शन आपके पास ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, ये जो आप टाइट्रेशन कर रहे थे तो वो टाइट्रेशन वाला रिएक्शन आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर इसमें अगर हम देख लें तो KMnO4 को हम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन टू आयन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को जिस तरह इससे पहले हम क्रोमियम पढ़ रहे थे तो क्रोमियम में भी हम क्या कर रहे थे आयरन टू को आयरन थ्री में चेंज कर लेते थे, तो उससे हमारे पास जो तो इनमें कंसंट्रेशन ऑफ अननोन आयरन टू इसकी जो तो कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते थे, तो सेम यहाँ पे भी हम अगर मैंगनीज जो है तो इसमें यूज कर लें तो इसमें भी हम आयरन टू की जो ऑक्सीडेशन जो आपके पास कंसंट्रेशन है तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे
पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर हम एसिडिक कंडीशन में अगर हम आयरन टू को ट्रीट कर लेते हैं, एसिडिक कंडीशन में अगर KMnO4 को हम ट्रीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो क्या बनेगा Mn+2, जो आपके पास मैंगनीज आयन है तो ये बनेंगे, और साथ में आपके पास Fe+3, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो आपके पास लूज हो जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो इससे हमें एक तो कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा कि आपके पास जो आयरन टू की कितनी कंसंट्रेशन से आपके पास कितनी कंसंट्रेशन ऑफ आयरन थ्री ये बन सकते हैं। यहाँ पे जो मैंगनीज है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में आपके पास चेंज हो चुकी है। तो अगर हम इसमें देख लें तो इसमें इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन कर लिए हैं, जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस वजह से ये +7 से +2 में जो आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये चेंज हो चुका है। लेकिन +5 जो आपके पास की एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को बैलेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसी हम इसे इवन नंबर भी जो तो चेंज कर लेते हैं, तो फिर इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पास जो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ये ले लें, तो आपके पास इसमें मैंगनीज के जो +7 था एक मैंगनीज का, तो आपके पास कितने हो जाएंगे +14 आपके पास जो तो इसमें हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपके पास ये मैंगनीज जो +2 है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको 7 इसमें कर ले तो ये 7 2 आपके पास जो ये 14 आपके पास बन जाएंगे। तो ये आपके पास जो मैंगनीज के जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ये 7 जब यहाँ पे होंगे तो ये आपके पास +2 होगा, तो मतलब ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास जो इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन किए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो आयरन है आपके पास, तो इसकी कंसंट्रेशन भी आप जो यहाँ पे ज्यादा कर देते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन जब हम ज्यादा करेंगे तो आपके पास जो ये मैंगनीज ये भी जो आपके पास इसमें बैलेंस हो जाएगा, और साथ में जो आपके पास आयरन है तो ये भी आपके पास इसमें क्या हो जाएंगे, ये आपके पास बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे 7 नहीं लगाते, बट यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो ये मैंगनीज आपके पास जो थे +7 था, तो इसके जो एटम्स हैं आपके पास वो एक ही एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं तो आपके पास इसमें सेम रहेंगे, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जब हम आयरन के साथ ट्रीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैंगनीज आयन जो ये बनेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लेस किए हुए, तो इसी हम यहाँ पे भी 2 प्लेस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इसमें से जो ये कितने हैं, ये +2 है, अगर हम यहाँ पे 5 प्लेस कर लेते हैं तो 5 2 10, तो मतलब ये हुआ कि हर एक जो आयरन है आपके पास तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो ये लूज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास मैंगनीज है, तो ये उस 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पे जो आपके पास इसमें से कितने आयरन से 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है आपके पास 5 से, तो मतलब यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसमें अगर हम 1 मोल ले लेते हैं तो फिर भी आपके पास ये बैलेंस हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट वेन रिएक्टेड विद 5 मोल्स ऑफ आयरन +2 आयन जो आपके पास है फेरस आयन, ठीक है, जो फेरस आयन है आपके पास 5 मोल्स ऑफ फेरस आयन इन एसिडिक कंडीशन, देन इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ मैंगनीज आयन, मींस इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो थे गेन कर लिए हैं, आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन जो थे लूज किए हैं, वी हैव 5 मोल्स ऑफ आयरन, 5 जो आपके पास ये फेरस आयन है आपके पास, तो ये आपके पास जो थे इसमें 5 मोल्स है, 5 क्वांटिटी है इसकी, तो एक जो फेरस आयन है आपके पास या जो एक आयरन आयन है आपके पास, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जब हम इसमें 5 मोल्स ऑफ आयरन जो है तो इसमें ले लेते हैं, तो मीन्स कि ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो वही 5 इलेक्ट्रॉन जो कि KMnO4 ये इसमें 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इट नीड्स 5 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीडाइज इन इट्स एसिडिक कंडीशन या टू रिड्यूस इन एसिडिक कंडीशन बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद ही रिड्यूस होता है और दूसरे को आपके पास ऑक्सीडाइज करा देता है। तो यहाँ पे जब 5 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो दैट इज वाई वी रिक्वायर 5 मोल्स ऑफ फेरस आयन, तो 5 मोल्स ऑफ फेरस आयन ये आपके पास जब ऑक्सीडाइज होंगे तो इससे 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास यूज हो जाएंगे, और वही 5 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज गेन करके इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +7 से +2 में आपके पास जो चेंज हो जाती है।
तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर आप लोग यहाँ पे 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो इसमें हमें कितनी फेरस आयन की कितनी ज़रूरत होती है, 5 मोल्स की। तो इसमें अगर आप लोग कंडीशन इसमें या इसकी जो क्वांटिटी है अगर पोटेशियम परमैंगनेट की आप लोग डबल करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आप लोग इसमें 2 मोल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को 2 मोल्स कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर आयरन हमारे पास कितने होने चाहिए, फेरस आयन यह हमारे पास फिर 10 होने चाहिए, और जो आपके पास फेरिक आयन बनते हैं जो +2 होते हैं उसे हम फेरस आयन कहते हैं, अगर आपके पास +3 हो तो उन्हें हम फिर फेरिक आयन कहते हैं, तो फेरिक आयन भी आपके पास कितने बनेंगे, 10 मोल्स तो आपके पास बनेंगे, और यहाँ पे जो मैंगनीज आयन है आपके पास वो भी आपके पास 2 होंगे। तो इस तरीके से आप लोग एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, और सेकेंड जो तो इसमें हम आयरन की जो क्वान्टिटी है आयरन 2 की तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पे यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिक्वायर्स 5 मोल्स ऑफ फेरस आयन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मैंगनीज के बारे में पढ़ लिया था कि मैंगनीज से जो आपके पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसमें आपके पास +7 +6 +3 और +2 ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तो हमने इसमें देख लिए थे, फिर इसके हमने नाम दे दिए थे, फिर उसमें जो है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो मैंगनीज जो 7 है आपके पास जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 7 होगा तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास कॉपर है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।